हुई है, तो आप क्या आपने कोई सलाह दी है खास तौर पे आदिवासियों को लेकर कि हाँ शराबबंदी यहाँ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये बात सामने आती है कि आदिवासियों की तो संस्कृति है यहाँ बंद नहीं हो सकता। नहीं, ये कह दिया जाता है कि इनका शराब तो मैंने रुचि का विषय है, उनके साथ में है, ये ठीक हो सकता है, पीते हैं, इसमें दो मत नहीं है, पीने के लिए सभी लोग पी रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसी के कारण वो समाज नष्ट प्राय हो गया है। तो आप शराबबंदी की सलाह देंगे? उन लोगों को कैसे उससे मुक्त रखा जाए, ये हमारी रुचि होगी, और थोड़ा वो आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, बच्चों को भी पढ़ाएं, थोड़ा समाज ऊपर आए, ये हमारी रुचि होगी। नहीं, अब सरकार को आप सलाह देंगे, उस कमेटी को सलाह देंगे जो शराबबंदी के लिए बनी हुई है कि हाँ बंद होना चाहिए? नहीं, वैसे तो देखिए हर सरकारें कुछ न कुछ मने वचन पत्र में, कभी चुनाव के समय, कभी घोषणा पत्र में बातें तो रहती हैं, सवाल यह है कि उसको किस सीमा तक कार्यान्वित किया जाए, ये विषय है, नहीं तो बातें रहती हैं, किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग कहते हैं ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता, सब सर्वत्र न बंद हो, लेकिन ये जो समाज विशेष करके है और जो इसके विषाक्त प्रभाव से बहुत दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, उनको कैसे बचाया, इस दिशा में सोचना चाहिए। आदिवासी समाज में बंद होना चाहिए, मतलब समर्थन है आप दे रहे कि हाँ यहाँ पे भी बंद होना चाहिए? आदिवासी समाज में भी बंद होना चाहिए आपका कहना है, इससे दिक्कतें हो रही हैं। जी जी, क्या कहा आपने, मैं समझा नहीं। आदिवासी समाज में शराबबंदी होनी चाहिए, इससे उनको उनको दिक्कतें हो रही हैं। आदिवासी समाज में ही तो ज्यादा पीते हैं, सवाल ये है उसको कैसे बचाया जाए, ये कठिन काम तो है, लेकिन उससे वो समाज बचे इस सीमा तक तो कम से कम उसको दूरी कैसे रखा जाए, इस पर मैं सोच रहा हूं। चलिए, आदिवासी समाज में शराब बंद होनी चाहिए, नंद कुमार साय जी मानते हैं इस बात को। आप दिग्गज आदिवासी नेता हैं, और ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस मानती है कि आपके कांग्रेस में आने से एक बड़ा फायदा होगा, आदिवासी वोट बैंक को इस तरफ आएगा, पर दूसरी